भारतीय डाक विभाग द्वारा गोलघर स्थित प्रधान डाकघर पर गोरखपुर मंडल डाकघर के प्रभर अधीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डाकघर के कर्मचारियों ने ब्लड डोनेट किया तथा ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। जिसके संबंध में डाक विभाग मंडल के प्रभर अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि डाक विभाग स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डाक विभाग के कर्मचारियों ने स्वेच्छापूर्वक ब्लड डोनेट किया। उन्होंने कहा कि खून की कमी से कई लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो इसलिए रक्तदान कैंप लगाया जाता है, जिससे कि लोगों की मृत्यु ना होने पाए। उन्होंने कहा कि इस शिविर में 10 लोगों ने रक्तदान किया और आगे भी लोगों की सेवा के लिए डाक विभाग हमेशा तत्पर रहेगा। इस अवसर पर डाक विभाग निरीक्षक CB सिंह, अकाउंटेंट अनुराग श्रीवास्तव, अशोक गुप्ता, अभिषेक कुमार, छोटेलाल गुप्ता, मोहन थापा सहित डाक विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर मंडल डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक मनीष कुमार ने कहा, लाए हुए मेडिकल चेकअप का भी लाए हैं। डाक विभाग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, इसके तहत हम लोग दो कार्यक्रम संपन्न किए हैं। एक तो हमारा क्षय रोगों के उन्मूलन के दिशा में था, वो कल हम लोगों ने क्षय रोग के मरीजों को वितरण किया था, और आज हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है। तो हमारे जो स्टाफ हैं ये आज स्वेच्छापूर्वक ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्या उद्देश्य? उद्देश्य सोशल काउज है, लोगों को खून की बहुत कमी के वजह से कई लोगों को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है, तो पर्पस है कि सभी को खून प्रॉपर उपलब्ध हो सके, जिससे कि खून के कमी के वजह से किसी लोगों का डेथ ना हो सके। अभी लोग 11-12 नंबर अभी हो रहा है और ये संख्या अभी बढ़ते जाएगी। सभी लोग स्टाफ धीरे धीरे आ रहे हैं और ये ब्लड डोनेट करेंगे।